इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव की सभा में पुलिस के जवान ने लगाया जिंदाबाद का नारा। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज राजद प्रत्याशी के पक्ष में अररिया के नरपतगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है। आज एक बेटा को जेल में बंद पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज लालू प्रसाद बाहर होते तो देश में राजनीति कुछ और होती। जैसे तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा, उनके बाहर आते ही जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत किया गया। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस के जवान ने भी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ये लोग राजतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, और ये पूरा अफवाह जो है ये पूरा फैलाया जा रहा है। ये चुनाव किसी पार्टी और गठबंधन को जिताने का नहीं, ये जो चुनाव है अपने देश, संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई है चुनाव। ये बीजेपी जो पार्टी है ये झूठ का प्रचार करती है, अफवाह फैलाने का काम करता। हमारे पलटू चाचा ने 2015 में बीजेपी का बीमार पिता से उनके बेटे को मिलना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन हमको नहीं देने के नहीं लेना है। एक हो करके हम लोगों को सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करने का काम करना। ये लोग धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं। कौन लेता है? एक पिछड़ा समाज, दलित समाज को आगे कर। आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, पैसा आएगा तब ना, जब रोजगार नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? उसमें इनके झांसे में नहीं रहना है। एकजुट होकर के लालू जी को अगर न्याय दिलाना है तो आप लोगों को सत्यनारायण जी को जिताने का काम करना है, लालटेन पर वोट दबाना है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जनता मालिक है। जनता के ना तो तारीख तय होता है ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है और फैसला आप लोगों को करना है। तो हम डॉक्टर साहब से बात किए फोन पे, ताकि कम से कम डॉक्टर ही साहब से पूछ ले कि पिताजी का स्वास्थ्य है कि नहीं है, हाल चाल ठीक है कि नहीं, इलाज ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा,